हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और आज लेकर आए हम दलिया के हलवे की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला हलवा है। अब मेरे तरीके से भी एक बार दलिया का हलवा बनाकर देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। जो ना भी खाता हो उसे देखकर वो भी खाने लगेगा। अगर मेरे दलिया की रेसिपी पाना चाहते हो तो बने रहो मेरे वीडियो के साथ। चलिए, मैंने एक कटोरी दलिया, किशमिश, काजू और कटे हुए बादाम, कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें डाल दिया मैंने घी। मैं इसको घी में ही कुक करूँगी। ड्राई फ्रूट को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। पहले डाल दिए है मैंने बादाम, कि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसको पहले कुक कर लेंगे। जो मेरे कुक हो गए हैं, निकाल लेते हैं मैं इसको बाहर। और डाल देती हूँ किशमिश और काजू, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मेरी किशमिश अच्छी तरह से फूल गई है, अब निकाल लेते हैं बाहर। डाल दिया मैंने इसमें दलिया, इसको भी अच्छी तरह से मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है और खुशबू भी आने लगी है। अब ऐड कर देते हैं इसमें पानी। इसमें ये 3 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है। जिस कटोरी से मैंने दलिया का मेज़रमेंट किया था, वही कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। और 10 मिनट के लिए इसे मैंने कुक किया था, और 10 मिनट में जी अच्छी तरह से कुक हो गया है। देखो जी, अच्छी तरह से कुक हो गया है। और चीनी मैंने पहले नहीं डाली थी, क्योंकि पहले डालती चीनी तो जी कुक होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता। और एक डाल कटोरी डाल दी है मैंने दूध, और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और डाल दी है मैंने जी ड्राई फ्रूट, और लगातार इसको चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। दलिया का हलवा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। जी अच्छी तरह से मेरा हलवा रेडी हो गया है। और देखो, बहुत ही अच्छा और टेस्टी दलिया हलवा लग रहा है। गर्मा गर्म हलवे का आनंद लेते हैं। अगर अच्छा लगे आपको मेरे दलिया का हलवा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।